प्यारे बच्चों, अज असी तीसरी जमात दी पंजाबी दी पाठ पुस्तक दे विच्चों पाठ नंबर 8 पढ़न जा रहे हां, जिस दा नाम है देखो ठहरो ते जाओ। ए पाठ बच्चों सड़क उपर चलन दे नियमां नाल संबंधित है कि सानू सड़क ते चलदे हुए की देखना चाहिदा है, कदों ठहरना चाहिदा है अते कदों अग्गे जाना चाहिदा है। तां आओ इस पाठ नूं पढ़ के समझदे हाँ कि इस दे विच कड़े कड़े नियमां बारे दस्या गया है। मीनू ते टेंकू पहली बार चंडीगढ़ आए सन। उन्हां दे मामा जी चंडीगढ़ रहिंदे सन। मामा जी दा एक पुत्तर सी जिस दा नाम सिमरन सी। ओह मीनू ते टेंकू तों थोड़ा वड्डा सी। शाम नूं सिमरन उन्हां नूं बाजार घुमाउण लई लै गया। बाजार उन्हां दे घर तों थोड़ी ही दूर सी। बाजार जाण लई उन्हां ने एक सड़क पार करनी सी। तां इस नूं पढ़ के बच्चों सानूं पता लगदा है कि मीनू ते टिंकू पहली बार चंडीगढ़ आए सन। उत्थे उन्हां दे मामा जी रहिंदे सन। उन्हां दे मामा जी दा एक पुत्तर सी जिस दा नाम सिमरन सी। ओह मीनू ते टिंकू तों थोड़ा जिहा वड्डा सी। शाम नूं सिमरन उन्हां नूं बाजार घुमाउण लई लै गया। बाजार उन्हां दे घर तों थोड़ी ही दूर सी अते उत्थे जाण लई उन्हां ने एक सड़क पार करनी सी। आओ हुण इस तों अग्गे पढ़दे हाँ कि अग्गे की हुंदा है। सड़क उत्ते साइकलां, स्कूटरां, कारां, टेंपुआं अते रिक्शियां दी भीड़ सी। पैदल जाण वाले लोकां दी वी काफी भीड़ सी। तुरद्यां तुरद्यां मीनू ने कहा, देखो वीरे सामने की हो रहा है। तां बच्चो सड़क नूं पार करदे समें सड़क दे उपर साइकलां, स्कूटरां, कारां, टेंपुआं अते रिक्शियां दी भीड़ सी। इस तों इलावा पैदल जाण वाले लोकां दी भी काफी भीड़ सी। तुरद्यां तुरद्यां मीनू ने कहा, देखो वीरे सामने की हो रहा है। आओ हुण अग्गे पढ़दे हाँ कि बच्चियां ने सामने की देखिया। टिंकू ने सामने देखिया चौक ते चार खंभे लगे हुए सन। एक खंभे उत्ते कदे लाल बत्ती जगदी सी, कदे पीली ते कदे हरी बत्ती जगदी सी। मीनू ते टेंकू हैरान हो गए। ओ इधर उधर देखन लगे कि इन्हां बत्तियां नूं कौन जगा बुझा रहा है, पर उत्थे तां कोई नहीं सी। साइकलां, स्कूटरां ते कारां वाले लाल रंग दी बत्ती देख के रुक जांदे सन। हरी बत्ती दे जगदिआं ही सब चल पैंदे सन। दोहां दी समझ विच कुझ नहीं आ रहा सी। कुझ देर ओह खड़े ए सब कुझ देखदे रहे। तां बच्चो इस नूं पढ़ के सानूं पता लगदा है कि टेंकू ने सामने देखिया कि चौक उत्ते चार खंभे लगे हुए सन। एक खंभे उत्ते कदे लाल बत्ती जगदी सी, कदे पीली अते कदे हरे रंग दी बत्ती जगदी सी। ये सब देख के मीनू ते टेंकू हैरान हो गए। हैरानी दे विच ओह इधर उधर देखन लगे कि इन्हां बत्तियां नूं कौन जगा बुझा रहा है, पर उत्थे इन्हां नूं जगाउण बुझाउण वाला कोई भी नहीं सी। उत्थों लंघन वाले साइकलां, स्कूटरां अते कारां वाले लाल रंग दी बत्ती देख के रुक जांदे सन अते हरी बत्ती दे जगदिआं ही ओह सारे चल पैंदे सन। दोहां दी समझ विच कुझ नहीं आ रहा सी कि ए की हो रहा है। कुझ देर ओह खड़े इसे तरह ही देखते रहे। आओ हुण इस तों अगे समझदे हाँ। सिमरन कुझ कहन ही लगा सी कि इन्ने नूं मीनू ते टिंकू ने सिमरन तों बत्तियां बारे पुछया, ये क्यों लाइया हन ते ये किवें जगदियां ते बुझदियां हन। तां बच्चो सिमरन हजे कुछ कहन ही लगा सी कि
इन्ने समय दे विच मीनू ते टिंकू ने सिमरन तो बत्तियां दे बारे विच पुछ लिया कि ये बत्तियां क्यों लाइयां हन अते इह किवें जगदियां ते बजदियां हन। आओ अगे देखते हाँ कि सिमरन इन्हां नू बत्तियां दे बारे विच की दसदा है। सिमरन तां पहला ही उन्हां नू बत्तियां बारे दसना चाहुंदा सी। उसने दस्या कि ये बत्तियां आवाजाई नू चंगी तरह चलाउण लई हन। देखो ओ लाल बत्ती हो गई है, इधरों जाण वाले सारे रुक गए हन। पीली बत्ती होण उत्ते ये सब चलण लई तैयार होणगे ते हरी बत्ती होण नाल सब चल पैणगे। इस तरह करन नाल सड़क उत्ते कोई दुर्घटना नहीं हुंदी। तां इस नूं पढ़ के बच्चों पता लगदा है कि सिमरन तां पहलां ही उन्हां नूं बत्तियां बारे दसणा चाहुंदा सी। उसने बच्चों नूं दस्या कि बत्तियां आवाजाई नूं चंगी तरह चलाउण लई हन। इन्हां बत्तियां बारे दसदे हुए उसने कहा कि ओ देखो लाल बत्ती हो गई है, इधरों जाण वाले सारे रुक गए हन अते पीली बत्ती होण ते ये सब चलण लई तैयार होणगे अते हरी बत्ती होण ते ये सारे जाने चल पैणगे। इस तरह इन्हां बत्तियां नूं देख के चलण नाल सड़क उत्ते कोई भी दुर्घटना नहीं हुंदी। आओ हुण इस तों अगे पढ़दे हाँ। सिमरन ने उन्हां नूं सड़क उत्ते चलण दे होर भी कई नियम समझाए। सिमरन ने दस्या सानू सदा अपने खब्बे हथ चलना चाहिदा है। सड़क पार करदे समय काली नहीं करनी चाहिए, सानू पहला अपने सज्जे पासे देखना चाहिदा है, फिर अद्धी सड़क पार करन बाद खब्बे पासे देखना चाहिदा है। जेकर सड़क खाली ना होवे तां सानू रुक जाना चाहिदा है। चौक विच पैदल चलन वालियां लई सड़क उत्ते निशान लगे हुंदे हन, इन्हां नू जैबरा क्रॉसिंग कहिंदे हन। तां इस नू पढ़ के बच्चों सानू पता लगदा है कि सिमरन ने उन्हां नू सड़क उत्ते चलन दे होर भी कई नियम दसे। सिमरन ने दस्या कि सानू हमेशा खब्बे हथ चलना चाहिदा है अते सड़क नू पार करदे समय काहली नहीं करनी चाहिदी। सानू पहला अपने सज्जे हथ देखना चाहिदा है, फिर अद्धी सड़क पार करके खब्बे हथ देखना चाहिदा है। जेकर सड़क खाली ना होवे तां सानू रुक जाना चाहिदा है। इस तों इलावा सिमरन ने दस्या कि चौक विच पैदल चलण वालियां लई सड़क उत्ते कुछ निशान लगे हुंदे हन जिन्हां नू जैबरा क्रॉसिंग कहिंदे हन। आओ हुण अग्गे चलदे हाँ। तां इत्थे बच्चों पाठ दे नाल संबंधित एक तस्वीर दित्ती गई है जिस दे विच एक चौक दा दृश्य दिखाई दे रहा है। इस तों इलावा इत्थे तीन बच्चे खड़े हन, सिमरन, मीनू अते टिंकू। ये तिन्ने बच्चे बाजार जाण लई सड़क पार करन वास्ते इत्थे खड़े हन। इस तों इलावा चौक दे विच एक खंभा लग्या होया है जिस दे उपर बत्तियां लगियां होईयां हन। इन्हां बत्तियां नूं देख के सड़क ते चलण वाले साधन बसां, कारां, मोटरसाइकिल अते स्कूटर आदि चलदे हन। ओह इन्हां बत्तियां दे इशारे नाल लाल बत्ती होण ते रुक जांदे हन, पीली बत्ती होण ते तुरन लई तैयार हुंदे हन अते हरी बत्ती होण ते तुर पैंदे हन। इस तों इलावा सड़क दे उपर चिट्टियां अते कालियां पट्टियां ला के निशान बनाए होए हन, इन्हां नूं जैबरा क्रॉसिंग कहिंदे हन। ये जैबरा क्रॉसिंग एक विशेष तरह का रास्ता है जिस नूं के पैदल चलण वाले लोग सड़क पार करन लई वरतदे हन। आओ हुण अग्गे चलदे हाँ। सिमरन ने ये भी दस्या कि जेकर चौक विच सिपाही खड़ा होवे तां सानू उस दे हत्थां दे इशारियां अनुसार चलना चाहिदा है। अजकल
ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨੂ ਤੇ ਟਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੀਨੂ ਤੇ ਟਿੰਕੂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੀਨੂ ਤੇ ਟਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੀਨੂ ਤੇ ਟਿੰਕੂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।